हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनयन चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप सबसे पहले इसके विपरीत ले लेते हैं। जैसे हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट 5 परिमेय संख्या है तो हम इसको a बट्टे में b के रूप में ले सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य हैं और b इज इक्वल नहीं है 0 के। सहभाज्य मतलब होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। इसका मतलब होता है एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होना, ठीक है। अतः हम जो ये b है डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा b रूट 5 इज इक्वल a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b रूट 5 इज इक्वल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल में a स्क्वायर। जब ये b स्क्वायर यानी इसका भी बी स्क्वायर हो सॉरी जो स्क्वायर है यहाँ पे ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे इसका भी होगा स्क्वायर और इसका भी होगा स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहेगा और रूट फाइव है उसका जो स्क्वायर होगा वो रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट को काट देगा तो यहाँ पे बच जाएगा फाइव अकेला। बी स्क्वायर फाइव इज इक्वल ए स्क्वायर। अब इसको 5 बी स्क्वायर लिख देंगे और इज इक्वल में ए स्क्वायर, ये हमारे समीकरण बन हो जाएगा। अतः अब इस ये समझने के लिए आपको पहले एक परिमेय प्रमेय आपको पहले बता देते हैं कि p है, माना कि p एक अभाज्य संख्या है और एक a है वो धनात्मक पूर्णांक है। p है वो a को ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह p जो p संख्या है वो a यानी सिंगल a को भी विभाजित करेगा। जब ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो सिंगल a है उसको भी विभाजित करेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अतः 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे 5 वही एक अभाज्य संख्या आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही अभाज्य संख्या थी, इसलिए जो 5 है वो सिंगल ए को भी विभाजित करेगा। हम अब ए को 5c लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब a का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 ये रहा, इसमें हम a का मान रखेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल में 5c ब्रैकेट और होल ब्रैकेट और स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 सी स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 25 सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 बी स्क्वायर रहेगा। जो ये 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर साइड को जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जब ये कटेगा तो 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल 5 सी स्क्वायर प्राप्त होता है हमें, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। आप देख सकते हैं 5 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है और इसलिए 5 है वो सिंगल बी को भी विभाजित करेगा। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है, ठीक है, है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे बोला गया था कि एक से अधिक कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे तो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ हमें, तो इसका यहाँ पे एक विरोधाभास प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो ये जो विरोधाभास हमें प्राप्त होता है ये इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि जो रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या है।
जैसे हमने शुरू शुरू में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने लिखा था कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या माना, तो वो उसी गलती के कारण वो हमें प्राप्त हुआ कि जो उभन अब गुणन उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो एक से ज्यादा हो गए हमारे, बल्कि एक से ज्यादा नहीं होते उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन क्वेश्चन में एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये जो संख्या है रूट फाइव वो परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो रूट फाइव है वो एक अपरिमेय संख्या है। जब वो परिमेय नहीं होगी तो वो डेफिनेटली अपरिमेय संख्या होगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब आप देख सकते हैं इसमें दो संख्या आ रही है, 3 आ रही है और एक ये √25 आ रही है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन किया था उसकी तरह नहीं करते हैं, उसे थोड़ा अलग हटके करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, माना जो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए अपरिमेय है तो हम इसका उल्टा ले लेते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 इज इक्वल a + a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b संख्या सहभाज्य संख्याएं हैं और b इज इक्वल नहीं है 0 के। अब ये जो 3 है इधर साइड को प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, तो b और a -3b हो जाएगा और यहाँ पे 2√5 हो जाएगा। जब ये 2 इधर साइड को मल्टीप्लाई में है तो इधर साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2b हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल a - 3b/2b हो जाएगा। चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए हम a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्णांक है तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 है वो एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। आपने देखा होगा कि √5 कभी भी बता परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे हमने जब निकाला तो ये परिमेय संख्या थी। इसका मतलब हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि जो हमने ऊपर लिखा था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि ये परिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम जो निष्कर्ष निकलता है कि जो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब वो परिमेय नहीं होगी तो डेफिनेटली अपरिमेय ही होगी संख्या। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, यह हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब ये जो परिमेय संख्या है 1/√2, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b इज इक्वल नहीं है 0 के। जो ये वाले 2 है इधर साइड को जाएगा तो हो जाएगा √2a, और ये जो b है इधर साइड को जाएगा तो b हो जाएगा, तो b इज इक्वल √2a हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर इनका, तो इसको करेंगे b² इज इक्वल में √2a होल ब्रैकेट लगेगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्क्वायर है वो √2 का भी होगा और a² का भी होगा। ठीक है, जो ये स्क्वायर √2 पे लगेगा उससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2a², तो b² इज इक्वल में 2a², ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब जो b² है वो संख्या a से विभाजित है, यानी
दो संख्या बी को विभाजित करती है, जो दो संख्या है वो बी को विभाजित करती है, तो बी संख्या है वो दो से भी विभाजित होगी, यानी सिंगल जो बी है वो दो से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब बी को हम लिखते हैं 2c, लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब b का मान समीकरण जो हमने ऊपर ये वाला समीकरण बनाया है उसमें रखने पर, b का मान जो ये निकला है b का मान उसमें रखने पर, तो b का मान रखेंगे तो 2c ब्रैकेट में होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल में 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे जब होगा तो 4c स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में 2b स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर साइड को जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 अपॉन में 2c स्क्वायर इज इक्वल में 20 स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल में 20 स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि 2 है वो 20 स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 2b को भी विभाजित करेगी, सिंगल b को भी विभाजित करेगी, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, और ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमें एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि जो रूट 2 है एक अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय आएगा, ठीक है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था कि रूट 2 है वो एक परिमेय संख्या है, जो हमारी गलत कल्पना थी, तो यहाँ हमारी गलत कल्पना थी तो इसका मतलब रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो परिमेय नहीं है, क्योंकि वो गलत कल्पना ली हमने, तो रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं सेकंड पे, 7√5, तो इसमें हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको a अपॉन में b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज इक्वल नहीं है 0 के, जब ये 7 है इधर साइड को जाएगा तो 7b हो जाएगा, नीचे जाएगा तो, चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a अपॉन में 7b एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो √5 है वो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या कभी नहीं होती है, तो ये गलत है, लेकिन हमने तो यहाँ पे लिखा है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए लिखा क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि पहले हमने लिखा माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत कल्पना थी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा आ गया इससे। अब करेंगे थर्ड, 6+√2, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको 6+√2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन में b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज इक्वल नहीं है 0 के। अब ये जो 6 है इधर साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा 6, क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए ये माइनस में आएगा, -6 -6, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। आपने कभी भी देखा √2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमने क्वेश्चन में तो परिमेय संख्या लिख दी, क्यों लिख दी, क्योंकि हमने पहले में स्टार्ट करा था तो माना था कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत कल्पना थी जो हमने अभी गलत हो गई हमारी सिद्ध करा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी।
हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हुई। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और आप हमें FB पर भी फॉलो कर सकते हैं vinay.anant96/anant, और ट्विटर पे भी कर सकते हैं vinay.anant96। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।